हेलो स्टूडेंट्स, अभी तक हम लोगों ने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में ज्योमेट्रिकल सेंटर्स निकालना पढ़ लिया है, जिसमें अलग अलग तरह के ज्योमेट्रिकल सेंटर्स की मैंने कंडीशंस भी बताई हैं और उनकी कुछ एग्जांपल्स भी लिए थे। अब इस वीडियो में हम लोग ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का नेक्स्ट पार्ट पढ़ते हैं, जो कि है कॉन्फिगरेशनल नॉमेनक्लेचर ऑफ ज्योमेट्रिकल सेंटर्स, कि ज्योमेट्रिकल सेंटर्स को किस नेम से हम लोग पुकारेंगे, सिस ट्रांस कब कहा जाता है, सिन एंटी वर्ड का यूज कब किया जाता है और ई जेड नॉमेनक्लेचर किस तरीके से यूज की जाती है, ये पॉइंट्स हम लोगों को पढ़ने हैं। तो हेडिंग आप लोग डाल लीजिए कॉन्फिगरेशनल नॉमेनक्लेचर, कॉन्फिगरेशनल कॉन्फिगरेशनल नॉमेनक्लेचर ऑफ ज्योमेट्रिकल सेंटर्स, ऑफ ज्योमेट्रिकल सेंटर्स। ठीक है, ये दो तरह के हैं, इन्हें टू क्लासेस में डिवाइड किया गया है या इन्हें क्लासिफाई ही इस तरीके से किया गया है। फर्स्ट है रिलेटिव नॉमेनक्लेचर या रिलेटिव कॉन्फिगरेशन, और सेकंड है एब्सोल्यूट कॉन्फिगरेशन, एब्सोल्यूट कॉन्फिगरेशन। ठीक है, रिलेटिव नॉमेनक्लेचर फिर आगे दो तरह का है। फर्स्ट है सिस ट्रांस नॉमेनक्लेचर, सिस ट्रांस नॉमेनक्लेचर। सिस ट्रांस नॉमेनक्लेचर और दूसरा है सिन एंटी नॉमेनक्लेचर, सिन एंटी नॉमेनक्लेचर। ये कहां यूज किया जाता है, अभी बात करते हैं इनके बारे में। एब्सोल्यूट नॉमेनक्लेचर केवल एक ही तरह का है, जिसे ई जेड नॉमेनक्लेचर कहा जाता है, ई जेड नॉमेनक्लेचर। ठीक है, रिलेटिव कॉन्फिगरेशन का यूज हम हर जगह नहीं कर सकते हैं, हर जगह आप सिस ट्रांस वर्ड का यूज नहीं कर सकते हैं या सिन एंटी नेमिंग नहीं दे सकते हैं, ज्योमेट्रिकल सेंटर्स की बात कर रहा हूं। लेकिन हर ज्योमेट्रिकल सेंटर के लिए ई जेड तरह की नेमिंग की जा सकती है। तो हम लोग पहले पढ़ते हैं रिलेटिव कॉन्फिगरेशन, जिसमें सिस ट्रांस नेमिंग किस तरह से की जाती है। वैसे ये बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, जो कि आप लोगों को पहले ही समझ में आ गया होगा, पर सिस्टमेटिक ढंग से आप पढ़ते हैं। तो आप लोग हेडिंग डाल लीजिए फर्स्ट ए पॉइंट वन सिस ट्रांस नॉमेनक्लेचर, सिस ट्रांस नॉमेनक्लेचर। ये तभी यूज किया जाता है जब ज्योमेट्रिकल सेंटर्स पर दोनों और कम से कम एक एक ग्रुप सेम हो। ठीक है, सिस का मतलब क्या है, सिस मींस सेम ग्रुप सेम साइड, सेम ग्रुप्स सेम साइड, एंड ट्रांस मींस है सेम ग्रुप्स ऑपोजिट साइड। ठीक है, जैसे एग्जांपल लेता हूं, यहां एक बिल्कुल सिंपल सा एग्जांपल है, यहां H, H और Cl और Cl ग्रुप लगा दिए। इस कार्बन पर दो H सेम साइड हैं और दो Cl सेम साइड हैं, तो ये एक सिस फॉर्म है। ऐसे ही अगर इस तरह का स्ट्रक्चर हो कि यहां H, H है और यहां Cl, Br है, तो भी केवल हैलोजन्स से ना हो तो और कोई सेम ग्रुप तो होगा, तो इसके लिए हम लोग सिस कहेंगे। ट्रांस आप समझ ही गए होंगे, अगर दो सेम ग्रुप अपोजिट साइड है, जैसे यहां H और H लगा दिया और CH3 और इथाइल है, तो इसे हम लोग ट्रांस कह सकते हैं।
क्लियर है। इसमें एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल मैं लेता हूं, फोर्थ एग्जांपल में ये कंपाउंड है जिसमें डबल बॉन्ड सिस भी है और ट्रांस भी है, इस तरह का कंपाउंड है। आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग इसकी नंबरिंग करें तो नंबरिंग इसी साइड से होना चाहिए, क्योंकि लोवेस्ट सेट आ रहा है यहां से डबल बॉन्ड की पोजीशन का, तो नंबरिंग ये होनी चाहिए। अगर इस डबल बॉन्ड को देखें तो ध्यान से देखिए, ट्रांस है। ट्रांस कैसे है कि इस कार्बन पे एक बॉन्ड यही होना चाहिए, क्योंकि 120, 120 और 120 के एंगल पे रहेंगे, और यहां पर जो एच होगा थर्ड कार्बन का एच इस साइड होना चाहिए, ये समझ में आना चाहिए आप लोगों को। जैसे इसमें भी ये दोनों एच एच सेम साइड हैं, तो ये डबल बॉन्ड सिस होना चाहिए। तो अगर इसकी नेमिंग करें तो इस तरह से नेमिंग होगी कि स्टार्टिंग का जो कॉन्फिगरेशन है डबल बॉन्ड का, सिस और ट्रांस कॉन्फिगरेशन में स्टार्टिंग में हम लोग ब्रैकेट में लिख दिया करते हैं और पूरा नाम इसके आगे लिख दिया करते हैं, तो इसमें नेम होना चाहिए टू ट्रांस, उसके बाद में फोर सिस। ये इनिशियल कॉन्फिगरेशन बता दिया, फिर टोटल कार्बन सात है तो हेप्टा एंड टू फोर डाईइन, ये इसका नेम होना चाहिए। ऐसे ही बिल्कुल सिमिलर एग्जांपल लेता हूं, ये वाला कंपाउंड है, इसमें नंबरिंग की बात करें, ये तो आप लोगों को दिखाई दे रहा है कि ये ट्रांस है और ये सिस है। अगर इसमें नंबरिंग करें तो नंबरिंग यहां से भी हो सकती है और यहां से भी हो सकती है, डबल बॉन्ड की पोजीशन का सेट सेम आ रहा है। लेकिन अगर केवल सिस और ट्रांस के कारण ही डिफरेंस हो और पोजीशन का और पुराने जितने भी बताए गए ऑर्डर्स हैं वो सेम हो, केवल सिस ट्रांस का ही डिफरेंस हो, तो आईयूपीएसी ने सिस को ट्रांस से ज्यादा इंपॉर्टेंस दी है। तो सिस को ट्रांस से ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है जब जब पहले बताए गए सारे ऑर्डर्स, जितने भी प्रायोरिटी ऑर्डर्स हैं, वो सभी एक जैसे हों। तो यहां इसका नंबरिंग हमें यहां से करनी होगी, क्योंकि टू पोजीशन पे सिस है, यहां से नंबरिंग करते तो टू पोजीशन पे ट्रांस आता, तो इसमें नंबरिंग इस तरह से होनी चाहिए। नेमिंग अब बहुत आसान हो गई, तो नेम होना चाहिए टू सिस फोर ट्रांस, और नेम है इसका हेक्सा टू फोर डाईइन, टू फोर डाईइन। तो ये क्लियर हो गया होगा आप लोगों को कि सिस ट्रांस नेमिंग किस तरह से की जाती है, और सिस को ट्रांस से ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी चाहिए जब दोनों ओर से उनकी डबल बॉन्ड की पोजीशन का सेट सेम हो। तो नेक्स्ट लेता हूं मैं सिन एंटी नॉमेनक्लेचर, कहां यूज किया जाता है। नेक्स्ट है ए पॉइंट टू सिन एंटी नॉमेनक्लेचर, सिन एंटी नॉमेनक्लेचर इसमें यूज किया जाता है ये वाला नॉमेनक्लेचर, एक तो ऑक्साइम्स में और एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड्स में ये यूज किया जाता है, इन ऑक्साइम्स एंड इन कार्बन का नाइट्रोजन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड कंटेनिंग कंपाउंड्स। ऑक्साइम्स दो तरह के होते हैं, कीट ऑक्साइम्स एंड एल्लॉक्साइम्स। पहले लेते हैं एल्लॉक्साइम्स और दूसरा है कीट ऑक्साइम्स। जैसा कि आपको बताया था मैंने कि एल्डिहाइड की रिएक्शन NH2OH हाइड्रोक्सिल अमीन से की जाए तो एल्लॉक्साइम्स बनते हैं, और यही रिएक्शन अगर कीटोन से हो तो कीटोक्साइम्स बनते हैं। ठीक है, तो यही को इसी कॉन्सेप्ट को मैं यहां ले लेता हूं। इस एल्लॉक्साइम में ध्यान से देखिए, ये एल्लॉक्साइम है, एल्लॉक्साइम में
ये एल्डिहाइड से बना था, यहां सी डबल बॉन्ड ओ था एल्डिहाइड का, यहां नाइट्रोजन पर दो एच थे, एच टू ओ की रिएक्शन हो गई, एच टू ओ इसमें से एलिमिनेट हुआ, डबल बॉन्ड बन गया। तो ये एक एल्डिहाइड से बना हुआ ऑक्साइम है। अगर एल्डोक्साइम में एच और ओ एच सेम साइड हो तो उसे सिन कहा जाता है। एल्डोक्साइम में एच और ओ एच के बेसिस पर सिन और एंटी देखा जाता है। अगर एच और ओ एच सेम साइड है तो उसे सिन कहेंगे, अगर अपोजिट साइड है तो उसे ट्रांस कहेंगे। इसी तरह से एंटी आप समझ गए होंगे कि डबल बॉन्ड है, यहां ओ एच है और लोन पेयर तो होगा ही। ये एल्डोक्साइम में एच और ओ एच अपोजिट साइड हो तो उसे एंटी कॉन्फिगरेशन या एंटी फॉर्म कहा जाता है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसको अलग से कोई डेफिनेशन नहीं लिखनी है। कीटोक्साइम में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट डिफरेंट है, ज्यादातर सिन एंटी का यूज आप लोगों को एल्डोक्साइम्स में मिलेगा। बट कीटोक्साइम्स में किस तरीके से होता है वो आप समझिए। जैसे ये एक कीटोन से बना हुआ ऑक्साइम है, यहां मिथाइल ग्रुप है और यहां इथाइल ग्रुप है, तो आप इसको दोनों तरह से नेमिंग कर सकते हैं। आप ये देखिए कि OH की सेम साइड में, मतलब सिन साइड में कौन ग्रुप है। अगर आप लिखोगे सिन तो OH के साथ में सेम साइड में मिथाइल है, तो आप लिखोगे इसमें सिन मिथाइल कीटोक्साइम। अगर OH के अपोजिट साइड वाले ग्रुप को देखें तो ये हो गया एक एंटी इथाइल कीटोक्साइम। तो इसके दोनों तरह के नेम लिखे जा सकते हैं। ये हो गया सिन मिथाइल कीटोक्साइम, कीटोक्साइम, और एंटी इथाइल कीटोक्साइम। क्लियर हो गया? केवल इस ग्रुप के बेसिस पर सेम साइड वाले ग्रुप के लिए सिन लगा देते हैं, अपोजिट साइड वाले के लिए एंटी इथाइल हम लोगों ने लगा दिया। इस तरह से नेमिंग की जाती है। नेक्स्ट कॉन्फ़िगरेशन है सिन एंटी नाइट्रोजन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड में। तो इन नाइट्रोजन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड, तो कॉन्सेप्ट बहुत ही आसान है। यहां देखा जाता है ऑन द बेसिस ऑफ लोन पेयर और विद रेस्पेक्ट टू लोन पेयर सेम साइड है तो सिन, अपोजिट साइड हो तो एंटी। जैसा कि नाइट्रोजन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड और यहां लोन पेयर सेम साइड है तो ये सिन, और लोन पेयर अपोजिट साइड है तो इसे एंटी कह दिया जाएगा। तो ये एंटी कॉन्फिगरेशन यहां है। तो इस तरह से सिन और एंटी फॉर्म्स एंटी नॉमेनक्लेचर का यूज करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन में ईजेड का यूज किस तरह से किया जाता है। ओके, थैंक यू।